हेलो फ्रेंड्स, ये हैशटैग चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। आज हम यॉर्क स्प्लिट एयर कंडीशनर के E4 एरर कोड के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये E4 एरर जो होता है ये सेंसर रिलेटेड होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक बार E4 एरर आए और आप सेंसर ही फॉल्ट बताइए या सेंसर ही लूज कनेक्शंस है बोर्ड में, ये नहीं समझ सकते। इसके और कई प्रकार हैं और कई प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण ये E4 एरर आ सकता है। आज इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, हमारा यॉर्क स्प्लिट एयर कंडीशनिंग इंडोर यूनिट जो है, इसमें E4 जो एरर जो है दिखा रहा है। ब्लोअर तो काम कर रहा है लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा है। चलिए जानते हैं E4 एरर को किस तरह से सॉल्व किया जाए और इसका क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। E4 एरर जो होता है स्प्लिट यूनिट में, ये नॉर्मली सेंसर एरर होता है। लेकिन ये सेंसर एरर जो E4 शो कर रहा है, ये एरर शो करने में बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। नंबर 1 रीज़न जो है, इंडोर यूनिट सेंसर फॉल्टी। इंडोर यूनिट का सेंसर जो है PC बोर्ड में कनेक्ट किया हुआ है, फॉल्टी हो सकता है, लूज कनेक्शन हो सकता है। नंबर 2, इंडोर ब्लोअर मोटर भी ख़राब हो सकता है, जिसके कारण कॉइल जो है आइस फॉर्मेशन होने के कारण E4 एरर शो कर रहा है। नंबर 3, योपेटर कॉइल जो है ब्लॉक होने की वजह से भी कॉइल में आइस फॉर्मेशन हो जाएगा और सेंसर जो है E4 एरर का इंडिकेशन देगा। नंबर 4, इंडोर PCB में कुछ फॉल्ट रहेगा तो भी E4 एरर शो करेगा। नंबर 5, आउटडोर यूनिट फैन मोटर जो है नहीं काम कर रहा हो, उसका कैपेसिटर फॉल्टी हो, उस वक्त भी आपको E4 एरर शो करेगा। नंबर 6, आउटडोर यूनिट कंप्रेसर कैपेसिटर फॉल्टी हो रहेगा तो भी E4 एरर जो है शो करेगा। नंबर 7, गैस कम होने से या लीकेज होने से भी E4 एरर जो है शो करेगा। नंबर 8, आउटडोर कंप्रेसर फॉल्टी होने से भी E4 एरर जो है शो करेगा। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है सेंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। आपका इंडोर यूनिट कुछ मिनट चलने के बाद जब वो सही तरीके से उसके सेंसर सेंस नहीं कर पाएंगे तो E4 एरर को दर्शाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए।